कि पासपोर्ट बनाने में आप लोगों को कितना पैसा खर्चा होने वाला है, या फिर पासपोर्ट आपका एक्सपायरी हो गया, या फिर कहीं पे खो गया, ठीक है, सो दूसरा पासपोर्ट मंगवाने में कितना पैसा लगेगा। तो चलिए वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे और जल्दी से जानते हैं कि इसमें जो है ना क्या क्या प्रक्रिया होता है और क्या क्या पैसा खर्चा होने वाला है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, वीडियो स्टार्ट करने से पहले भाई का नाम जान लो। भाई का नाम है अनिल और आप देख रहे हैं गब्बर गुरु जी। चलिए शुरू करते हैं। तो इसके इसको जानने के लिए आप लोगों को दो तरह का दो रास्ता है, ठीक है। पहला रास्ता यह है कि पासपोर्ट का जो ऑफिशियल एप्लीकेशन आप लोगों को डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से, जो है ना, जिसका नाम है एम पासपोर्ट। एंड सेकेंड है कि इसका वेबसाइट पे जाकर के, तो हम लोग वेबसाइट पे ही जाने वाले हैं फिलहाल में, ठीक है। जनरली गूगल पे जाकर के और पासपोर्ट सेवा आप लोग जैसे लिखेंगे, सो हमारा फर्स्ट में वेबसाइट है पासपोर्ट सेवा। यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे शो करेगा फी कैलकुलेट, ठीक है, फी कैलकुलेट। तो इस पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। उसके बाद क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको आएगा ना सेलेक्ट एप्लीकेशन टाइप। एप्लीकेशन टाइप में आप लोगों को जो है पासपोर्ट सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे पीसीसी है एंड आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है, ठीक है। तो हम लोग अभी पासपोर्ट के बारे में जानने वाले हैं, तो पासपोर्ट को सेलेक्ट कर लेना है एंड इसमें कितना खर्चा आएगा वो आप लोगों को। तो टाइप ऑफ सर्विस, तो किस तरह की सर्विस चाहिए आप लोगों को, फ्रेश या री इशू, ठीक है। अभी यहाँ पे देख लो, फ्रेश वो है कि आप लोग नया पासपोर्ट बनाओगे तो उसमें कितना पैसा खर्चा होने वाला वो पहले बता देते हैं। उसके बाद फिर री इशू मतलब वो जानेंगे कि पासपोर्ट बहुत 10 साल 15 साल बना लिया, उसका जो पासपोर्ट खो गया है या फिर उसका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया, ठीक है। तो उसके उस जो है ना उसके बाद वो जानेंगे। तो पहले हम लोग जान लेंगे कि नया पासपोर्ट बनाने में जो है ना कितना पैसा लगता है। तो यहाँ पे हम लोग फ्रेश लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन एप्लीकेंट एज, ठीक है। सो जो अब जो ना जिसका नाम से पासपोर्ट रहेगा उसका एज कितना हो रहा है, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे दे देंगे लेस देन 15 साल या 18 साल या फिर 18 साल 15 साल 18 साल, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग डालने वाले 15 से 18 वाला ही ज्यादातर पासपोर्ट बनाते हैं कहीं पे किसी दूसरे देश जाने के लिए। एंड उसके बाद रिक्वायर्ड वैलिडिटी, तो यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं 5 से 18 साल, उसके बाद फिर 10 साल है, ठीक है। तो हम लोग 10 साल के लिए देख लेते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ पेज मतलब कितने पेज का आपको पासपोर्ट चाहिए, ठीक है। सो पासपोर्ट हम लोग ज्यादातर 36 पेज और 60 पेज होता है, तो 36 पेज ही जो है ना सेलेक्ट कर ले। इसमें 500 का डिफरेंट रहता है, ठीक है, समझ जाना आप लोग, 500 ज्यादा या कम रहेगा, ठीक है, 36 और 60 के अंदर में। और रिक्वायर्ड स्कीम, ठीक है, तत्काल या नॉर्मल, मतलब नॉर्मल चाहिए तो आपको 10-15 दिन में आएगा, ठीक है, या 1 महीना हो सके आपके एरिया में। और तत्काल चाहिए तो वो 4 से 5 दिन के अंदर में आ जाता है, ठीक है, या फिर 1-2 दिन भी लग सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग नॉर्मल करते हैं। एंड उसके बाद कैलकुलेट फी, सो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा कि यहाँ पे 1500 का जो है पेमेंट आप लोग को दिख रहा है, ठीक है। और ये 1500 अमाउंट आपको 1500 ही खर्चा होने वाला है, इससे ज्यादा नहीं होने वाला। अब यहाँ पे हम जो है ना 60 फेज करके देखते हैं, ठीक है। तो आप लोग को लगेगा कि भाई गब्बर भाई झूठ बोल रहे हैं भाई, 1500 मतलब 1500 और 500 ज्यादा वाला तो 60 पेज में नहीं लगेगा, इतना ही में हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग को लाइव प्रूफ दिखा दे रहे हैं, ठीक है, 60 पेज में हम कर दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे कैलकुलेट कर दे रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा कि 500 रुपया कैसे बढ़ गया भाई, ठीक है, यहाँ पे जेन्यून। उसके बाद यहाँ पे ये तो हो गया नया नया पासपोर्ट का, ठीक है। और अब हम चलते हैं कि री इशू, ठीक है, ये जिसका हरा गया या फिर एक्सपायर्ड हो गया वो वाला देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा है ना री इशू, ठीक है, फ्रेश को हटा करके री इशू कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे री इशू में आपका पासपोर्ट डैमेज हो गया या फिर एक्सपायर्ड हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक्सपायर्ड डाल के देख लेते हैं। एंड उसके बाद सेम प्रोसेस रहेगा, पेज सिर्फ कम कर देते हैं, ठीक है, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा तो फिर आप लोग भी। तो यहाँ पे भी सेम पैसा लगने वाला, आपको री इशू कराओगे ना तो 1500 ही लगेगा, ठीक है, 30 पेज का और 60 पेज का वही 2000, ठीक है। तो सेम है पैसा, 1500 2000 इतना ही चलता है। आपको जो है ना अंतर किस चीज में दिखेगा, जब वो यहाँ पे है ना एक्सपायर्ड, यहाँ पे आपको लॉस्ट या डैमेज दे दोगे ना तब आपको यहाँ पे कुछ पेमेंट ज्यादा दिखाई, ठीक है, ठीक है। अगर आपका पासपोर्ट कहीं पे खो गया है तो उस कंडीशन में आपको जो ना पेमेंट आपका ज्यादा कटने वाला है या फिर आपको ज्यादा पैसा लगने वाला। तो यहाँ पे हमको कर देना कि आपका पासपोर्ट एक्सपायर्ड हो गया या फिर नहीं। तो हमारा पासपोर्ट हरा गया तो नहीं एक्सपायर्ड हुआ होगा ना, तो यहाँ पे हम नो कर देते हैं, ठीक है, नो कर देते हैं। उसके बाद फिर कैलकुलेट करते हैं फी। तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा कि 3000 का पेमेंट कैसे चुटकियों में अगर ध्यान ना रखा जाए तो उड़ जाता है, ठीक है। सो यहीं पे सिंपल से आप लोग भी इस वेबसाइट पे आकर के और अपना जो है ना, ये पासपोर्ट का ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आप लोग भी आकर के और अपना जो है ना डाउट क्लियर कर सकते हो, या फिर कितना पैसा लगने वाला किस चीज में, या फिर 18 साल से कम वाला। सो ज्यादा वीडियो को हम लंबा नहीं करेंगे,
और वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।